राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की बर्बरता के विरोध में ग्रामीणों ने किया अनिश्चितकालीन अनशन। 3 जुलाई के शाम को ग्रामीणों द्वारा गड्ढे में मिट्टी डालकर साफ सफाई करते समय गांव का कोई व्यक्ति 112 नंबर डालकर झूठी बात बताया कि ग्रामीण हमारे मंडई समेत घर क्षतिग्रस्त करते हुए मिट्टी पाट कर अम्बेडकर मूर्ति बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। मौके पर पहुंची गंभीर पुलिस आनंद फानंद में 39 लोगों को बुलाकर थाने लाई। रात भर बैठाने के बाद सुबह मारपीट कर शांति की धारा में चालान कर दिया गया, जिससे ग्रामीण बिना गुनाह किए मार खाए। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई तथा न्याय नहीं मिलते तो देख ग्रामीणों ने पूर्व नियोजित अनशन कार्यक्रम को अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए 14 अगस्त को अनशन कार्यक्रम पहले पूर्व रानीपुर अजमो गांव में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान के नेतृत्व में भीम आर्मी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ने पहले पुर में मंदिर स्थित सुबह 10 बजे अनशन कार्य शुरू हुआ। अपने भाषण में एहसान खान ने ग्रामीणों को बताया कि जब तक दलितों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। अनशन के चौथे दिन भी सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों धरना स्थल पर जमे रहे। पत्र प्रतिनिधियों से पूछने पर आज आजाद पार्टी के प्रवक्ता एहसान खान ने बताया और मांग किया कि जब तक जिले के उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे और गंभीर पर थाना प्रभारी व 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और 39 लोगों के खिलाफ लगाए गए मुकदमा वापस मार खाए लोगों को 5-5 लाख रुपए नहीं मिल जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का उत्पीड़न, ये देखें नौरंगी प्रजापति की खास रिपोर्ट। 2003 में हमने मुलायम सिंह के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। दो दो मंत्री थे, एक कैबिनेट बलराम यादव, एक राम आश्रय उस्करवा हायर एजुकेशन का डिप्टी मिनिस्टर। क्या क्या हुआ, मीडिया तो हमारे लिए सड़कों पे बैठ गया। वहाँ पर एक नहीं कवरेज किया, 113 बनाया मीडिया ने, 113 लोग मीडिया की वजह से आपको कांग्रेस का टिकट मिल गया। 113 लोग वहाँ धरने पे बैठे थे, ठीक है, वो मीडिया की वजह से क्या मिला नहीं। तो आज हम आपकी सेवा में आए, 3 दिन से आप हैं, कोई नहीं है। आपकी वो कौन हरि कुमार जी हैं, उन्होंने पहले दिन ही मीडिया को आरोपित कर दिया कि मीडिया सही नहीं रोल अदा कर रहा है। दैनिक जागरण में खबर है, अमर उजाला में भी खबर है, आज तो सभी खबरों में है। तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा होगा, हिंदुस्तान में भी खबर है। नहीं, दैनिक जागरण बहुत बड़ी खबर है, अमर उजाला में भी खबर है, खबर तो छपेगी, आज नहीं कल छपे। लेकिन जो सैद्धांतिक बात है, जैसे आपने कहा कि सीधे तौर पे मीडिया के ऊपर आरोप लगाए, इससे हम कतई सहमत नहीं है। हमारे लिए ठीक नहीं लगा, हमारे लोगों ने अगर ऐसा किया है तो हम उसके लिए रात में आप लोग से हम लोग आप लोग आपका बयान लिए हर चीज लिए ऊपर मुकदमे का क्या असर है बता दीजिए। ये जानते हैं सब कि मुकदमा है, बताओ तुम लोग कि अगर एहसान खान को ले जाएंगे, धर्मवीर भारती को ले जाएंगे, इनको ले जाएगी पुलिस, तो इसमें कौन जाएगा, सब लोग ये सब कैडराइज लोग हैं। आजमगढ़ प्रशासन में अगर ताकत हो तो वहाँ निजामपुर में लिख दिया मुकदमा, काहे का लिख दिया भाई, वहाँ लिख दिया। एक चमार जात का था, सेना में सेवा किया, कलाम साहब राष्ट्रपति उनके साथ 2.5 साल रहा, श्री ओम प्रकाश फौजी साहब रिटायर होके आए, अपनी बीवी को उन्होंने प्रधान बना दिया, समाज की सेवा करने लगा। जब मैं गया उनके लिए कि उनको क्यों जेल भेज दिया, 2.5 क्विंटल सरिया, 20,000 की सरिया वो चोरी करेंगे, शर्म आनी चाहिए इनको, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। मैं गया तो मुझसे तो हाथ गोड़ जोड़ के कहे साहब 15 दिन का मौका दे दीजिए, मैं विवेचना करके इनका नाम निकाल दूंगा, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है राजेंद्र शर्मा समेत 5 लोगों को मैं जेल भेज दूंगा। लेकिन उन्होंने बजाय इसके करने के, और एक इन्होंने यहाँ रात में आए कप्तान साहब कौन मीटिंग किया और रात में एहसान के खिलाफ मुकदमा लिखो रानीपुर कि हम इतने निरी कि 39 लोगों को यहाँ ही बगल में जमीन है जो बाबा साहब अम्बेडकर की देख रहे हैं। आप बताइए, झूठा आरोप था, कोई मूर्ति बरामद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, 39 लोगों को ले गई किसी के कहने पर, ऐसा लगता है किसी के इशारे पर इस तरीके का घिनौना कृत किया वहाँ के एसओ ने।
हम भी मान के मारा, क्या क्या किया तमाम तरीके का। एक महीना चार दिन तक वो लोग इधर उधर भटकते रहे और जब उनको इसी बीच में लायर मिले, उन्होंने कहा 156 तीन में, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की संज्ञान में आया और उन्होंने कहा कि ये घिनौना कृत्य है, ये अपराध किया है, मानवाधिकार आयोग का खुला उल्लंघन है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का जो हिरासत में है उसका खुला उल्लंघन है, इसलिए आप इस पे न्याय संगत तरीके से इसकी आवाज उठाइए। तो हमने यहाँ एसडीएम महोदय को आवेदन दिया, कहाँ गया आशीष जी? यहाँ के लोगों ने जाके एसडीएम महोदय को आवेदन दिया। अब वो लोग अलग बात बनाए कि राजनीति हो रही है। आपके हरि कुमार जी कहाँ है? कौन है हरि कुमार आपके? भाई हरि कुमार जी कल भी मेरे में बातचीत में आपके, कौन है वो? हरि कुमार जी है कौन है? हमारी विधिक सलाहकार टीम के एक सदस्य हैं, लेकिन तो अगर वो मीडिया को इस तरीके से क्यों तो उनको कोई अधिकार नहीं है, क्यों कह रहे हैं? ये कोई अधिकार नहीं है किसी को मीडिया को। आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं कोई, आपने जो कहा है नहीं। हमको ये लगा कि जब आपने 156 तीन के तहत कोर्ट में कर दिया है तो फिर ये ड्रामा क्यों? पार्टी का प्रचार मकसद हो तो अलग बात है, और कुछ हो तो अलग बताइए। नहीं, जैसा आपने बताया कि 156 तीन में कर दिया गया, इसमें कोई शक नहीं 156 तीन में इन लोगों ने किया। आपको मालूम है जो 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी बलिया में आए थे, तो ये लोग वहां अपना दुख, उससे पहले आजमगढ़ मिले थे, फिर पलिया में भी गए थे, ठीक है, और अपनी बातें बताया उन्होंने। उस वक्त 156 तीन में मुकदमा दायर हो चुका था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पत्रकार साथी अमर उजाला तमाम तरह तमाम आ जाओ, आप लोग बहुत सीनियर हैं। ये सब रात में हम लोग 10:30 बजे तक हम ये सब पी ही नहीं सकते, हमारे बस की बात ही नहीं। हम सैद्धांतिक आदमी है, वसूलों पे चलने वाले आदमी है। संविधान को माने, संवैधानिक तरह से बात करेंगे काम, और यहाँ पर अगर कोई गुंजाइश की बात होती तो ये सब बखेड़ा खड़े। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आता एहसान भाई, जब आप रीमेडिकल करवा के रिकॉर्ड करिए इस बात को, आप रीमेडिकल करवाए 7 लोगों का? हाँ बिल्कुल कराया हूँ। रीमेडिकल करवा के 156 तीन में गए हैं? नहीं, उससे पहले 156 तीन में वो लोग गए थे। कौन गया? या जो इस गाँव के लोग हैं। चलिए, इस गांव के लोग हैं तो या तो कोर्ट न्याय करेगा या तो आपके धरने प्रदर्शन से न्याय। अरे हम न्याय लेंगे, यहाँ कोई दुनिया की ताकत न्याय लेने से रोक नहीं पाएगी, कोई दुनिया की ताकत न्याय लेने से रोक नहीं पाएगी। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसी संविधान के अंतर्गत आईपीसी की धाराएं बनी गए, और उन आईपीसी धाराओं के अंतर्गत वो अपराधी हैं श्रीमती ज्ञानप्रिया सरोज, और 5 लोग और हैं, उन्होंने चमारिया सियारिया और तमाम तरीके का जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नंगा नाच किया है, उन्होंने खंभे में बांध के मारा है। अब बताइए कि 1 महीना 4 दिन तक किसी के निशान रहेगा छोटों का? रीमेडिकल हुआ है, रीमेडिकल करा के हमने इनको कहा था एडिशनल एसपी क्या मिले, कप्तान एडिशनल एसपी क्या मिले, एसपी सिटी महोदय, उनसे कहा कि आप दर्ज कर दीजिए अपराध और भेजिए जेल, जो बनती है आईपीसी के अंतर्गत। अगर उन्होंने मानवाधिकार आयोग और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन किया है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दलित जात के चमार समाज के लोगों को जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बुरी तरह मारा पीटा है, तो उनकी एक जगह है सिर्फ जेल, और कोई दुनिया की ताकत नहीं उनको जेल जाने से रोक देगी। अभी मुकदमा लिख रहे हैं, उससे पहले मेन उद्देश्य यह है कि जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ आईपीसी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा हो, और उसी के अंतर्गत उसमें जेल की सजा है, उसमें 13 साल से ऊपर की सजा है, वो सब लोग जेल जाएं। ये नहीं कि ट्रांसफर हो जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उन्होंने अपराध किया है, उस अपराध की उनको सजा हो, बस यही मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं। दो मांग है, तीसरा एक चीज और है, तीसरा चीज ये नोट कर लीजिए, तीसरा ये है कि एक क्षतिपूर्ति की भी बात आती, गौर करिएगा, ये जो 39 लोग मारे गए इनको लेके आजमगढ़ यहाँ वहाँ तमाम तरीके से दौड़े, तमाम तरीके की इनकी पड़ताना हुई, कितनी दिहाड़ियां छुटी, क्या हुआ, पड़ताना हुई, तमाम तरीके की बात हुई,
तो प्रशासन ये बताए कि ऐसा जालिम अगर किया गया, जब मान लेगा वो, जब ये मान लेगा का अपराध है तो उसकी उसकी उत्तर सरकार को दुआ जुमाने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को और अपनी बात को संवैधानिक तरह से रखेंगे और बताएंगे ताकि वायु प्रदेश को पीड़ितों की आवाज संसद प्रशासन के कहने तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जो भी सरकार तक पहुंचे ताकि आप बताइए ना क्या होगा कितनी मांगना छतपूर्ति अगर आप चाह रहे हैं। एक ऑप्शन आपने दिया छतपूर्ति, देखिए भाई वो भी बता दीजिए ना। क्षतिपूर्ति की बात है लेकिन वो प्रशासन पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।